आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है हमारा, द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू L1 यानी कि दिस इंडक्टर आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज, यानी कि हम लोग करंट हम लोग को कैलकुलेट करना है दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर ऑफ L1। ओके, सिंपली हम लोग यही फाइंड करना है। सो देखिए, सो लेट्स से लेट्स कंसिडर द केस आफ्टर, सो आफ्टर a very long time that in which t is tending towards infinity, ये time है हमारा t. So इस case में हमारा जो current है that is the sum of all the current, देखिए इस v naught से जो हमारा मतलब current flow हो रहा होगा, let's say ये हमारा i naught है। अब देखिए ये two terminals है, so two terminal में हमारा current divide हो जाएगा। So let's say यहाँ पे हमारा i1 flow कर रहा है और यहाँ पे हमारा i2, so पूरे सर्किट के लिए हमारा आई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे वी नॉट में इसलिए नहीं लिख रहा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द केस दैट इज फॉर टी स्टैंडिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी। ओके, सो लेट्स नेम दिस एज इक्वेशन वन। नाउ देखिए, सिंस दिस L1 एंड L2 दोनों ही पैरेलल हैं, सो सिंस inductors are in parallel, so यहाँ पे हमारा L1 into di1 by dt, this will be equals to L2 into di2 divided by dt. So let's name this as equation 2. So again, okay, let this be as like this. So now again consider this for after a very long time. So यहाँ पे देखिए हमारा dt जो है cancel हो रहा है और after very long time ये dt हमारा current हो जाएगा, यानी कि li1 this will be equals to i1 is equals to l2 into i2. Let's consider this as equation 2. ठीक है, ये हम लोग को आगे काम आएगा। So now total current जो है हमारा in this circuit और दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी इज डिवाइडेड इनटू टू इंडक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो क्लियरली यहाँ से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, दैट हमारा आई नॉट इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। ये तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ रहा है। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 3। सो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 यहाँ से हमारा I1 this will be equals to L2 divided by, यहाँ पे से अगर divide करिए इसको तो ये हो जाएगा L2 divided by L1 plus L2 into I0। और similarly for I2 ये हो जाएगा हमारा L1 divided by L1 plus L2 into I0। So now द करेंट थ्रू L1 हम लोग को निकालना है, सो दैट इज क्लियरली दिस I1। सो I1 को ऑर्थर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 इंटू I0। सो I0 जैसे कि ऊपर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा था, सो दिस विल बी इक्वल्स टू L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 इंटू V0 divided by R. ठीक है, दिस इज फ्रॉम यूज ऑफ इक्वेशन 1. ठीक है, सो दिस इज आवर द रिक्वायर्ड आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।